अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े का मार्बल केक बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे पास मैदा है, 120 ग्राम मैदा मेरे पास। कप में देखे तो एक कप भर के मैंने दबा के मैदे का लिया है। हाफ कप मेरे पास चीनी थी जिसे मैं पाउडर फॉर्म में ले आई हूँ, और ये 100 ग्राम है मेरे पास। हाफ कप भी मेरे पास बटर था, और ग्राम में देखे तो ये 100 ग्राम बटर है मेरे पास। वनीला एसेंस का यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैं कोको पाउडर का यूज़ करूँगी इसमें। 1 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर का, 2 पिंच मैंने लिए हैं बेकिंग सोडे के, और 2 अंडों का यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े का मार्बल केक। तो विदाउट ओवन बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं देगचे को रखती हूँ प्री हीट होने के लिए। देखिए नीचे मैंने नमक बिछाया, ऊपर स्टैंड रखा है, और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे प्री हीट होने दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। और 10 से 15 मिनट ही लगते हैं केक का बैटर को रेडी करने के लिए। तो चलिए केक का बैटर रेडी करते हैं। सबसे पहले मैं केक के सांचे को रेडी करूंगी। तो यहाँ मैंने मक्खन लिया है, आप ब्रश से लगाइए या हाथ से, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो मैं सारे मक्खन से इस सांचे को ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए सांचा मैंने ग्रीस कर लिया है। यहाँ मैं ये मैदा इसके ऊपर छिड़क रही हूँ अच्छी तरह से। इसी तरह घुमाते हुए मैं केक के सांचे को रेडी कर लूँगी, और सब तरफ मैदे को अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे। देखिए केक मोल्ड मेरा रेडी हो चुका है, तो मैं इसे साइड पे रखती हूँ और केक का बैटर तैयार करते हैं। बटर डाल दिया मैंने, ये मेरे पास फ्रेश बटर था जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ, घर का बना हुआ। इसी भी चीनी ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिला लेंगे। बटर और शुगर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, तो मैं बीटर से इसे मिक्स करूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। इस तरह से साइडों को साफ करते हुए आप इसे मिक्स कीजिए। तो मैं मज़ीद इसे थोड़ा सा और मिक्स करूंगी। 2 मिनट मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। तो यहाँ मैं ये अंडे तोड़ के इसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह से मैं अंडों को भी इस मिक्सचर के साथ अंडे डाल के भी मैंने इसे दो मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे मैं ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैदे में मैं ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डाल के अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। इसे साइड पे करते हैं। फ्यू ड्रॉप्स मैं इसमें वनीला एसेंस के यूज़ करूँगी, 1/2 टी स्पून जितना। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। सेकिंग के लिए वनीला एसेंस डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें मैं छान के इस तरह से इसमें डालूंगी। इसे भी थोड़ा सा हम इस तरह से पहले मिक्स करेंगे। मैं इसे बीटर से मिक्स करूंगी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए मैंने मैदा डाल के भी मिक्स कर लिया इसे। तो यहाँ मैं बैटर को हाफ करती हूँ। हाफ बैटर मैंने अलहदा कर लिए क्योंकि मुझे इसमें कोको पाउडर मिक्स करना है। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसे भी हम चंद सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा थोड़ा सा थिक हो गया, तो यहाँ मैं इसमें 1 टेबलस्पून के जितना दूध ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। पहले मैं इसमें ये सिंपल वनीला बैटर ये डाल दूँगी। इसके ऊपर हम ये कोको पाउडर वाला बैटर डाल देंगे। दोबारा से ये बैटर डालेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा इसे हम प्रेस करेंगे। इस तरह से मैं सारे केक की लेयर्स लगा लूंगी। लेयरिंग सारे मैंने लगा ली हैं, तो हल्का सा इसे हम इस तरह से टैप करेंगे ताकि बैटर सारा इक्वल हो जाए। तो इस तरह से एक वुडन स्टिक ली है मैंने, हल्का सा हम इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। लीजिए डिज़ाइन भी हमारा बन चुका है। पतीला हमारा प्री हीट हो गया, तकरीबन 15 मिनट हो गए। तो इसे प्री हीटेड पतीले में रखती हूँ मैं, और बेक करते हैं 25 से 30 मिनट के लिए। ये देखिए केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है, तो इसे चेक कर लेते हैं। स्टिक हमारी बिल्कुल क्लीन आई है, तो केक को ठंडा करते हैं और दिखाते हैं आपको। लीजिए मार्बल केक को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, तो हम इसे कट करते हैं।
ये देखिए कितना स्पंजी और मजे का केक हमारा रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मार्बल केक की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।